अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहु। माय नेम इज़ मुमताज़ बेगम झोपड़ी। आई एम वर्किंग एज ए साइंस टीचर एट एंग्लो उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूल हुबली। आज लॉकडाउन रहने की वजह से अंजुमन इस्लाम हुबली के ज़ेर एहतमाम बराए जमात दहुम के तलबा व तालिबात के लिए ऑनलाइन लेसन का अहतमाम किया गया है। मैं सदर अंजुमन और तालीमी बोर्ड के तमाम मेंबरान को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका इनायत फरमाया। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज हम 10वीं जमात का मज़मून साइंस में इल्म कीमिया केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कीमियाई तामुलात और मसावातें के मुतल्लक मालूमात हासिल करेंगे। कोई भी तब्दीली जिसके दौरान नई अशिया पैदा होती हैं कीमियाई तब्दीली कहते हैं। मिसाल के तौर पर दही का बनना, लोहे का जंग लगना और ग़िज़ा का हजम होना वगैरह। जब भी कोई कीमियाई तब्दीली होती है तो हम कह सकते हैं कि कीमियाई तामुल हुआ है। कीमियाई तामुल यानी केमिकल रिएक्शन एक ऐसा अमल है जिसके दौरान कुछ अशिया में कीमियाई गिरफ्त टूट जाती है और नई कीमियाई गिरफ्त बनती है। यानी एक कीमियाई अशिया का सेट दूसरे कीमियाई अशिया के सेट में तब्दील होता है। कीमियाई तामुलात के दौरान दर्ज ज़ैल तब्दीलियाँ वाखा होती हैं। तबी हालत में तब्दीली आती है, रंग में तब्दीली आती है, गैस खारिज होती है और दर्ज हरारत में तब्दीली आती है। कीमियाई मसावात केमिकल इक्वेशन कीमियाई जाबितों के ज़रिए कीमियाई तामुलात को जाहिर करना कीमियाई मसावात कहलाता है। मिसाल के तौर पर कॉपर सल्फेट के महलूल में जिंक का सफूफ डालने पर तांबे के ज़र्रात और जिंक सल्फेट का महलूल हासिल होता है। तो यहाँ पर कीमियाई तामुल में हिस्सा लेने वाले कीमियाई अशिया मुतआमिलात कहलाते हैं और कीमियाई तामुल के दौरान हासिल होने वाले कीमियाई अशिया महासिलात कहलाते हैं। मुतआमिलात को हमेशा मसावात के बाएं जानिब लिखा जाता है। महासिलात को हमेशा मसावात के दाएं जानिब लिखा जाता है। मुतआमिलात और महासिलात को तीर के निशान से अलाहिदा किया जाता है। तीर का निशान जाहिर करता है कि मसावात में तीर का निशान जाहिर करता है कि कीमियाई तामुल हुआ है। मुतआमिल और महासिल के तबी हालत को इनके कीमियाई जाबितों के सामने ठोस, रखीक और गैस आबी महलूल की अलामतों से जाहिर करते हैं। कीमियाई मसावतें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कीमियाई मसावत को कमियत की बखा के क़ानून के उसूल के तहत लिखा जाता है। कमियत के बखा का उसूल, किसी तामुल में कमियत को न पैदा किया जा सकता है और न ही ज़ाया किया जा सकता है। कीमियाई तामुल में महासिलात में मौजूद सभी अनासिर की मजमू कमियत मुतआमिलात में मौजूद अनासिरों की कुल कमियत के बराबर होनी चाहिए। अगर किसी तामुल में मुतआमिलात और महासिलात की कमियत बराबर नहीं है तो इस मसावात को मुतवाजन करना चाहिए। मसावात को मुतवाजन करने के मुख्तलिफ मराहिल हैं। सबसे पहले जाबितों के चारों अतराफ बॉक्स बनाना और कोई तब्दीली न करना, गैर मुतवाजन मसावात के मुख्तलिफ अनासिर के आइटमों की फहरिस्त बनाना, उस मुरक्कब का इंतखाब करना जिसमें आइटम ज़्यादा हों, तभी हालतों की अलामतों को लिखना। मिसाल के तौर पर यफ़ी प्लस H2O यफ़ी 3O4 प्लस H2, ये एक गैर मुतवाजन मसावात है। इस मसावात को मुतवाजन करने के लिए LHS प्लस RHS में मौजूद तमाम अनासिरों की मिसाल के तौर पर मुतआमिलात और महासिल में मौजूद तमाम अनासिर की एटमों की तादाद को मसावी करना चाहिए। मसावात को मुतवाजन करने के लिए LHS में यफ़ी को 3 और H2O को 4 से ज़रब देना होगा। इसी तरह RHS में H2 को 4 से ज़रब देना होगा। इस तरह हमें एक मुतवाजन कीमियाई मसावात हासिल होगी। कीमियाई मसावात को मुतवाजन करने का ये तरीक़ा हिट और ट्रायल का तरीक़ा कहलाता है। कीमियाई तामुलात के अकसाम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कीमियाई तामुलात के चार अकसाम हैं। इत्तेहादी तामुल, तहलीली तामुल, हटाव तामुल और दोहरा हटाव तामुल। इत्तेहादी तामुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन
दो या दो से ज़्यादा मुतआमिलात मुत्तहिद होकर एक वाहिद महासिल बनाते हैं, इसे कीमियाई इत्तेहाद कहते हैं। मिसाल के तौर पर कोयले का एहतराफ, कोयले के एहतराफ में कोयला ऑक्सीजन के साथ एहतराफ पाकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। पानी की तश्कील, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दबाव के तहत पानी में तब्दील होती है। कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाना, यहाँ पर एक बीकर है, बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड लिया गया है यानी चूना, इसमें पानी मिलाया गया है। जब कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ तेज़ी से तामुल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और बड़ी मकदार में हरारत खारिज होती है। तो ये तामुल हरारत ज़ा तामुल कहलाता है। हरारत ज़ा तामुल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसे तामुलात जिनमें मुतआमिलात बनने के साथ साथ हरारत भी खारिज होती है, हरारत ज़ा तामुलात कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर कुदरती गैस का जलना, तनफ्फुस का अमल। इस तामुल में इस तरह के सवालात पूछे जा सकते हैं। तनफ्फुस एक हरारत ज़ा तामुल है, क्यों? वजाहत कीजिए। तनफ्फुस एक हरारत ज़ा तामुल है क्योंकि तनफ्फुस के दौरान बहुत सारी तवानाई हरारत की सूरत में खारिज होती है। हाजमे के दौरान ग्लूकोज ग़िज़ा में तब्दील होती है और ये ग्लूकोज हमारे जिस्म के खुलियात में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मुत्तहिद ऑक्सीजन के साथ मिलकर तवानाई फराहम करता है। एक शख्स 4 किलोग्राम चूना ख़रीदता है, वो इस चूने को 7 लीटर पानी में डालता है तो ये महलूल बग़ैर गर्म किए हुए उबलता है, क्यों? इस तामुल का सबब बताओ। क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना और पानी का अमल एक हरारत ज़ा तामुल है जिसके दौरान बड़ी मकदार में हरारत खारिज होती है। तहलीली तामुल, डीकम्पोजेशन रिएक्शन, वो कीमियाई तामुल जिसमें वाहिद मुतामिल टूट कर दो या दो से ज़्यादा महासिलात बनाता है। मिसाल के तौर पर कैल्शियम कार्बोनेट का गर्म होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तहलील होना। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को जब गर्म किया जाता है तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में तहलील होता है। ये तामुलात तहलीली तामुलात, हरारती तहलीली तामुलात कहलाते हैं क्योंकि इनमें हरारती तवानाई इस्तेमाल होती है। हरारती तहलील तामुल, थर्मल डीकम्पोजेशन, वो तहलीली तामुल जिसमें हरारती तवानाई इस्तेमाल होती है, हरारती तहलील तामुल कहलाता है। हरारत खोर तामुल, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऐसे तामुलात जो हरारत को जज्ब करते हैं, हरारत खोर तामुलात कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर सिल्वर क्लोराइड का सूरज की रोशनी में तामुल, जब सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड को सूरज की रोशनी में रखा जाता है तो ये सरमई रंग इख्तियार करके सिल्वर और क्लोरीन में तहलील पाता है। इसी तरह जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूरज की रोशनी में रखा जाता है तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में तहलील पाता है। ये तामुलात हरारत खोर तामुलात कहलाते हैं। हटाव तामुल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसे तामुलात जिनमें ज़्यादा तामुल पजीर अंसर कम तामुल पजीर अंसर को हटाता है, हटाव तामुल कहलाते हैं। मिसाल लोहा कॉपर सल्फेट के महलूल से कॉपर को हटाता है, इसी तरह जिंक कॉपर सल्फेट के महलूल से कॉपर को हटाता है। दोहरा हटाव तामुल, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसे तामुलात जिनमें मुतआमिलात बनने के मुतआमिलात के दरमियान अयानों का तबादला होता है, दोहरा हटाव तामुल कहलाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 2 टेस्ट ट्यूब हैं, एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट का महलूल है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड का महलूल है। जब सोडियम सल्फेट के महलूल में बेरियम क्लोराइड का महलूल मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट का सफ़ेद रसूब हासिल होता है। तक्सीदी तामुल, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो तामुल जिसके दौरान अगर कोई शय ऑक्सीजन हासिल करती है या हाइड्रोजन खोती है तो
तो इसे तकसीदी तामुल कहते हैं, यानी अगर कोई अंसर ऑक्सीजन को हासिल करता है या हाइड्रोजन को खोता है तो ये तकसीदी तामुल कहलाता है। मिसाल के तौर पर कॉपर को गर्म करने पर ये कॉपर ऑक्साइड में तब्दील होता है। यहाँ पर कॉपर ऑक्सीजन को हासिल करता है, इसलिए ये एक तकसीदी तामुल है। तहवीली तामुल, रिडक्शन रिएक्शन। तामुल के दौरान अगर कोई शय ऑक्सीजन खोती है या हाइड्रोजन हासिल करती है तो इसे तहवीली तामुल कहते हैं, यानी अगर कोई अंसर ऑक्सीजन को खोता है या हाइड्रोजन को हासिल करता है तो इसे तहवीली तामुल कहते हैं। मिसाल के तौर पर गर्म किए हुए कॉपर ऑक्साइड पर से जब हाइड्रोजन गैस गुजारी जाती है तो भूरे रंग का कॉपर हासिल होता है। यहाँ पर कॉपर ऑक्सीजन को खोता है, इसलिए ये एक तहवीली तामुल है। रेडॉक्स तामुल, तकसी तहवील तामुलात। एक ही तामुल के दौरान अगर तकसीद और तहवील हो रही है तो ऐसे तामुल रेडॉक्स तामुल कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ तामुल पाकर कॉपर और पानी बनाता है। इस तामुल में कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन खो रहा है, इसलिए इसकी तहवील हो रही है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हासिल कर रहा है, इसलिए इसकी तकसीद हो रही है, इसलिए ये एक रेडॉक्स तामुल कहलाता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम कई तरह के तकसीदी तामुलात के असरात देखते हैं, जैसे कि ताकुल, क्रोजन। धातें अपने आसपास मौजूद अशिया जैसे नमी, तेज़ाब वगैरह के ज़रिए मुतासिर होती हैं तो इसे जंग लगना कहते हैं। यह अमल ताकुल कहलाता है। मिसाल के तौर पर चांदी के ऊपर काले रंग की परत का जमा होना और कॉपर के ऊपर सब्ज रंग की परत का जमा होना ताकुल को रंग लगाकर या जस्तकारी के ज़रिए रोका जा सकता है। ताफुन या बसांतपन, रैंसिडिटी। तेल या चर्बी को हवा में एक लंबे वक्फे तक खुला रखने से इनकी तकसीद होती है, इनका जायका और बू तब्दील होती है। ये अमल ताफुन या बसांतपन कहलाता है। ताफुन को मुख्तलिफ तरीक़ों से रोका जा सकता है। ताफुन को रोकने के तरीक़े, ग़िज़ाई अशिया में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाकर, ग़िज़ा के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरकर और ग़िज़ा को मुंजमद करके ताफुन को रोक सकते हैं। तो आइए हम चंद सवालों के जवाबात की तरफ देखते हैं जो कि अहम हैं। इस टॉपिक से पूछे जाने वाली अहम शक्ल पानी की बर्फ पाशिदगी है। पानी की बर्फ पाशिदगी में इस्तेमाल होने वाले आलात की शक्ल बनाकर मुख्तलिफ हिस्सों के नाम लिखो। पानी की बर्फ पाशिदगी एक तहलीली तामुल है जिसमें पानी के सालिमात तहलील होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं। कीमियाई मसावात को मुतवाजन करना ज़रूरी होता है। इस बयान के लिए जवाब पेश करो। कमियत के बखा के उसूल के तहत मादे को न पैदा किया जा सकता है और न ही ज़ाया किया जा सकता है। इस कुलिये के मुताबिक कीमियाई तामुलात में मुतामिलात और महासिलात की कमियत मसावी होनी चाहिए, इसलिए कीमियाई मसावात को मुतवाजन करना ज़रूरी होता है। दर्ज ज़ैल तामुल की किस्म का नाम लिखिए। तेज़ाब और असास का तामुल। तेज़ास और असास का तामुल एक तादीली तामुल है। लोहे का जंग लगना। लोहे का जंग लगना एक तकसीदी तामुल है। रसूबी तामुल किसे कहते हैं, एक मिसाल के साथ वाजा कीजिए। ऐसा तामुल जिसमें गैर हल पजीर ठोस और नमकियात हासिल होते हैं रसूबी तामुल कहते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड के साथ तामुल पाकर कैल्शियम ठोस कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड का आबी महलूल बनाता है। एक लड़की चूने के पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करती है, ये कौन सा तामुल है। तहलीली तामुल,
लोहे के जंग का कीमियाई नाम और जाबिता लिखिए। लोहे के जंग का कीमियाई नाम आबिदा लोहे का ऑक्साइड और जाबिता Fe2O32H2 है। उम्मीद है कि आप तमामों तलबा और तालिबात को ये टॉपिक समझ में आया होगा।